जय माता दी। इस वीडियो में आज हम उन लोगों की बात करेंगे जिनको पूरी उम्र बिजनेस को लेकर के कोई ना कोई परेशानी देखने को मिलती है। कभी भी बिजनेस में ऐसे लोग सफल नहीं हो पाते, जन्म कुंडली में कौन से खराब योग होते हैं जिसके कारण ऐसा होता है और इसके क्या उपाय करने चाहिए, इन सभी चीज़ों की बात इस वीडियो में आज हम करेंगे। जो भी लोग बिजनेस के अंदर बिजनेस काफ़ी बार कर चुके हैं और हर बार बिजनेस अच्छा नहीं चलता, किसी ना किसी तरह से ऐसे हालात बनते हैं जिसके कारण उनको बिजनेस बंद करना पड़ता है, आखिर ऐसा होता क्यों है? जन्म कुंडली में अगर बुध देव का पितर दोष बना हुआ हो, अब बुध का पितर दोष बनता कैसे है? अगर बुध का पितर दोष बना हुआ हो तो ऐसे हालात बनते हैं, जिन लोगों के घरों में बहन, बुआ या बेटियों के साथ कुछ किसी भी तरह से गलत काम किए गए हो या किसी भी तरह से छोटी छोटी कन्याओं को अपमानित किया गया हो या उनके साथ कुछ गलत किया गया हो, उन लोगों के घरों के अंदर बुध का पितर दोष जन्म लेता है। जन्म कुंडली में ये सबसे ही ज़्यादा खराब योग माना जाता है। अगर बुध का पितर दोष जन्म कुंडली में बन जाए तो खुद को तो बिजनेस में कभी सफलता मिलेगी नहीं, साथ ही आने वाली पीढ़ियों में भी कभी भी कोई अच्छा बिजनेसमैन बन नहीं पाएगा। हमेशा पूरी उम्र बिजनेस को लेकर के दिक्कतों जैसे हालात बनेंगे। बिजनेस को लेकर के तो ऐसे लोगों को दिक्कतें आएगी ही, साथ ही ऐसे लोगों के घरों में डिप्रेशन, सुसाइड जैसी दिक्कतें आना, डिप्रेशन जैसी बीमारियां होना, दिमाग से जुड़ी हुई परेशानियां होना और हमेशा बुद्धि की कमी रहना, ये सारे खराब हालात भी ऐसे लोगों के घरों में आम देखने को मिलते हैं। अब ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए? ऐसे लोगों को जो उपाय करना चाहिए वो ये है कि हो सके तो बुधवार के दिन 300 ग्राम पीली कोड़िया लेकर के उसको पूरी रात कच्चे कोयले की आग में कपूर या देशी घी के साथ जलाए और अगले दिन सुबह सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच जाकर के इसको चलती हुई नदी में जल प्रवाह करें या किसी जंगल में छोड़ करके। एक तो ये उपाय करना ज़रूरी है, और ये उपाय अगर आप नहीं कर सकते तो उसकी जगह पर आप ये वाला उपाय भी कर सकते हो जो अभी हम आपको बताएंगे। बुधवार के दिन एक ही दिन के अंदर कम से कम 100 छोटी छोटी कन्याओं को मीठा खिलाना बेहद ज़रूरी है। हलवा पूरी आप उनको खिला सकते हो या किसी भी तरह से किसी स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में जो कन्याओं का स्कूल है, लड़कियों का स्कूल होता है, उसमें आप परमिशन लेकर के वहां जाकर के हलवा पूरी 100 कन्याओं को बुधवार के दिन एक ही दिन में आप बाँट सकते हो। ये उपाय करने से बुध का पितृदोष पूरी तरह से कुंडली के अंदर ख़त्म होगा और जिन लोगों के घरों में डिप्रेशन जैसी दिक्कतें रहती है, सुसाइड जैसे विचार बार बार आते हैं, बिजनेस के अंदर सफलता नहीं मिलती, ये सारे खराब हालात अगर जन्म कुंडली के अनुसार आप लोगों के जीवन में बने हुए हैं तो आप लोग ये उपाय आंखें बंद करके कर सकते हो, आपको फायदा जरूर होगा। तो अगर आप भी बिजनेस में सफल नहीं हो पा रहे और आपके बाप दादा भी बिजनेस के अंदर सफल नहीं हुए और आगे आने वाले बच्चों को भी बिजनेस में दिक्कतें आ रही है, तो ये उपाय उनसे जरूर करवाइए। इसी तरह से हम और भी विषयों के साथ आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। इजाजत दीजिए। जय माता दी।